सो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आई एम बैक ऑन माय कैलकुलेटर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैलकुलेटर में वैल्यूज को स्टोर कैसे करना है। ओके, सो देखो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो भी हमने रायता फैलाया था इसमें, हम लोग को उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करना है, शिफ्ट दबाना है। देखिए, 9 के ऊपर में येलो में CLR लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, क्लियर। तो मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था कि येलो चीज को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो मैंने शिफ्ट दबाया, फिर मैंने 9 दबाया। अब कैलकुलेटर मुझसे पूछ रहा है क्लियर, सेटअप, मेमोरी, ऑल ऑल। सो मैं 3 दबाऊंगा, मैं इक्वल टू दबाऊंगा, AC दबाऊंगा और इट्स डन। सो अब मेरा क्या है ना, कैलकुलेटर एकदम पूरा ओरिजिनल मोड में आ गया फिर से। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कैलकुलेटर में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, बिकॉज जब आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हो तो उसमें स्टोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आप RCL का बटन देख रहे, दबाना नहीं है, RCL के ऊपर में येलो में STO लिखा हुआ है, उसका मतलब है स्टोर। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टोर करना है 956। देखो, आप देख रहे हो रेड में, देख रहे हो ABCDEF, तो रेड वाले बटन जितने भी सब है ना, मैं उसमें स्टोर कर सकता हूं वैल्यूज। तो मैं क्या करूंगा, 956 को मान लो मेरे को सी में स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट स्टोर, मैंने समझ गया, शिफ्ट दबा के RCL दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्टोर। फिर मैं जैसे सी में मेरे को स्टोर करना है, सी में, तो सी वाला जो है वो वाला बटन क्या है, हाइप, तो मैं हाइप दबा दूंगा। देखो, ये बोल रहा है कि 956 जा रहा है सी में, अब AC दबा दो। अब मेरे को करना है 956 इंटू 12, तो मैं क्या करूंगा बताए, 12 इंटू, अब मेरे को 12 इंटू सी करना है, तो सी कैसे आएगा, अल्फा दबा के मैं दबाऊंगा हाइप और इक्वल टू दबाऊंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू स्टोर द वैल्यूज, एंड क्लियर करना, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, जैसे मान लो मैं स्टोर करता हूं ई में और एफ में, आप लोग भी अपने साथ ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बोलता हूं कि आप ई में स्टोर करो 12 को, तो कैसे करेंगे, 12 शिफ्ट RCL कॉस, क्योंकि कॉस के ऊपर में ई लिखा हुआ है ना, अभी अल्फा बटन्स का कोई काम नहीं आया है, अभी खाली स्टोर किया है। फिर मैं AC दबा दे रहा हूं, अगेन मेरे को स्टोर करना है, मान लो मैंने 12 को स्टोर किया ई में, एंड मैं स्टोर करता हूं 50 को मेरे को स्टोर करना है F में, तो मैं क्या करूंगा, 50 पहले लिखूंगा, शिफ्ट RCL tan, क्योंकि tan के ऊपर में लिखा हुआ है ना F, तो अब ये 50 गया F में, अब मैं AC दबा दे रहा हूं। अब मेरे को क्या करना है, अल्फा दबाइए और cos दबाइए, तो देखिए E आ गया इंटू अल्फा दबाइए, tan दबाइए, देखिए F आ गया और इक्वल टू दबा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ You store the values in a calculator. So it's a very, very, very important feature कि आपको किस तरीके से मतलब calculator में करना है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, 0.08 divided by 12 मान लो, तो ये आ रहा है 1/150। अगर मैं ये दबाता हूं तो देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर, आपका आंसर क्या आ रहा है, 6.6666 into 10 to the power -3। अगर आपको यह जानना है तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू।